मैं आपके पास आया हूँ यहाँ पे छात्र परिषद कार्यालय में। तो मैं ये मीडिया के माध्यम से आप ये बताएंगे कि जो नौलखा वार्ड नंबर 4 में छावनी परिषद के जो सौंदर्यीकरण के कार्य हो रहे हैं और वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है, सर उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी काम चल रहे हैं वो नया वेंडिंग जोन के लिए। सो ये पर्पस सारे ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक से ऑर्गेनाइज करके वो सबको बेनिफिट देने के लिए हम कर रहे हैं। सो अभी नया टेंडर भी फाइनलाइज हो रहे हैं। सो नया टेंडर फाइनलाइज होने के बाद हम क्लियरली डिमार्केट करके एरिया भी डिमार्केट करेंगे, सारे वेंडिंग वेंडर्स को डिमार्केट करके उनको जगह देके और हम रेगुलरली पैसा वसूल करेंगे उनके से। सर, एरिया जो है पर वेंडर क्या स्क्वायर फुट रखा हुआ है या क्या कितने फुट बाई उसका? नहीं, वो अभी तक हम डिसाइड नहीं किया, वो टेंडर फाइनलाइज होने के बाद बोर्ड में हम डिस्कस करके हम फाइनलाइज कर तो देंगे। ये जो एरिया जो स्टॉल्स दिए जा रहे हैं जो डिवाइड होंगे, किस तरीके से उनको प्रोवाइड किए जाएंगे? मतलब क्या रहेगा कि स्टॉल बना करके दे रही है बोर्ड या फिर स्टॉल नहीं के लिए नहीं हम स्पेस दे रहा है? स्टॉल नहीं बना रहे, सिर्फ स्पेस दे रहे हैं। सो वो कॉन्ट्रैक्टर को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। सो हम सिर्फ स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को, और कॉन्ट्रैक्टर वहाँ वेंडर्स को स्पेस अलॉट करेंगे इन कंसल्टेशन विथ आर रेवेन्यू सेक्शन। जो स्टॉल लगाई जाएंगी उसकी मतलब महीने पे स्लिप रहेगी कि उसकी रोज के हिसाब से उसमें क्या आएगा, हाँ, कितने की रसीद रसीद जो रहेगी कटेगी, जो पर डे जो रसीद रेवेन्यू जनरेट होगा बोर्ड का वो कितने रुपए से एक रसीद का ये रहेगा? डिफरेंट पर्पसेस, पर डे 50 से 250 तक हम लेवी कर रहे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स के लिए। ओके सो वो कैटेगराइजेशन हम बोर्ड में डिस्कस करके फाइनलाइज कर देंगे, बट आर रेट्स 50 से 250 तक। ठीक। 52 250। ओके सर, दूसरा ये है कि वहाँ पे जो कार्य हो रहा है इस समय पर उसको लेकर के, जैसे कि वहाँ पे अभी हाउस सारे काम हम टेंडर दे रहे हैं ना, वो फिक्स्ड क्वालिटी कंट्रोल में हम करते हैं, ओके बट कुछ प्रॉब्लम है तो वो पेनल्टी कॉन्ट्रैक्टर से हम लेंगे। जी 2 वर्ष के लिए कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन करेंगे, ओके 2 वर्ष के अंदर कोई डिफॉल्ट और कोई प्रॉब्लम है तो क्वालिटी में कॉन्ट्रैक्टर को हम एक्शन लेंगे और पेनल्टी भी लेवी करेंगे और हम भी रेगुलरली इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है। सो ये सौंदर्य सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हम रखा करते ठीक सौंदर्यीकरण को लेकर के सर, और वहाँ पे क्या चीज़ होने जा रही है? हैं। सौंदर्यीकरण को लेकर के वहाँ पे और क्या चीज़ होने जा रही है वेंडिंग जोन में? वेंडिंग जोन में क्या होना, लाइट्स वगैरह है जैसे या कि हम किसी चीज़ को सजाते हैं, सजावट के प्रकार से देखा जाए तो उस जगह में किस किस चीज़ का मतलब उपयोग किया जाएगा? जैसे गुल फूल होते हैं, फूलों का, बहुत से लाइटों का होता है, नहीं? वैसे सौंदर्य के लिए उसमें क्या क्या अभी बोलेंगे? सिर्फ लाइट्स और बेसिक सेफ्टी रिलेटेड मेशर्स के लिए हम प्लान किया, ठीक बट है फ्यूचर में हम थोड़ा ब्यूटीफाई करने के लिए हम कोशिश करेंगे। ओके अभी एक्चुअली पैसा इतना नहीं है, सो जी बेस्ड ऑन आवर फंड्स अवेलेबिलिटी जी हम सिर्फ सेफ्टी मेशर्स अभी कर देंगे, ओके बाद में हम ब्यूटीफाई करने के लिए हम हाँ प्लान एक्चुअली करेंगे। क्या है कि सर वो मेन मार्केट में है और वेंडिंग जोन भी ब्यूटीफाई करने के लिए, और अभी काचीपुरा में भी हम वेंडिंग जोन डेवलप किया। सो जी। हमारा लॉन्ग टर्म प्लान ये सारे वेंडिंग जोन में